बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां दागी विधायक नहीं है। इस बार 2020 का चुनाव होने वाला है और इस बार जो कैंडिडेट होंगे उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी की सोच क्या है, यह मैं बात करता हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद है। ये बताइए बीजेपी की सोच क्या है, अगर 2020 को लेकर बात करें तो कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी संगठन विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करती है, सुचिता की राजनीति करती है, और जो पॉलिटिक्स विथ अ डिफरेंस ये स्लोगन अगर किसी पार्टी से अटैच्ड है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं चाल चरित्र चेहरे की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त विकास का नारा दिया है, और हमने जिस तरीके से 1980 में पार्टी के फाउंडेशन के बाद एक राष्ट्रव्यापी फलक पर खुद को स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, तो वो काबिले तारीफ है, जनता के सामने है, जनता सब देख रही है, और जनता ने उस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है इसलिए कि हम पॉलिटिक्स विथ अ डिफरेंस, हमारा नारा है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड सेल्फ लास्ट। तो हम स्वयं की बात नहीं करते हैं, अब तो हम स्वावलंबन की बात करते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में एक डिफरेंस पैदा कर रही है। आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी में अभी कई ऐसे विधायक हैं जो दागी हैं। देखिए मैं कहता हूं कि अपराध की जब हम बात करते हैं तो संगीन अपराध, हत्या बलात्कार के मामले हों, कोई संगीन अपराध की धारा लगी हो तो निश्चित तौर पर उसको माना जा सकता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से अगर किसी पर मुकदमे दर्ज होते हैं, राजनीतिक प्रोटेस्ट के अगर किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधियों में कोई कार्रवाई होती है पुलिस प्रशासन की, तो इसको हम कहते हैं कि थोड़ा नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन आप बिहार का उदाहरण लें, अब बिहार में शहाबुद्दीन किस पार्टी के हैं, राजबल्लभ किस पार्टी के हैं, अभी फरार विधायक अरुण यादव किस पार्टी के हैं, इसके बाद आप कहें रमा सिंह किस पार्टी के हैं जो चहेते बने हुए हैं, आपके सहयोगी पार्टी है जदयू, उसमें भी कई ऐसे विधायक हैं जो दागी हैं और कई संगीन मामलों में उनका नाम दर्ज है। देखिए एक बात आपको स्पष्ट करते, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन से जोड़कर राजनीति करती है, विचारधारा से जोड़कर राजनीति करती है। जो भी वैचारिक तौर पर हमारी राजनीति से लगाव नहीं रखेगा वो अनकंफर्टेबल होगा, वो यहाँ टिक ही नहीं सकता है। लेकिन अन्य पार्टियों का जहाँ तक सवाल है, अन्य पार्टियों के नेता कार्यकर्ता निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक बड़े हद तक बिहार को जिस अपराध की छवि से बाहर निकालने का काम एनडीए ने किया है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि जो अपराधी हैं, अपराधियों का राजनीतिकरण किस पार्टी ने किया वो सभी देख रहे हैं, और आज की तारीख में भी बिहार जब 2020 का विधानसभा चुनाव में जाने को तैयार है, जितने शराब माफिया, जितने माफिया किस्म के लोग हैं, बालू माफिया हो, सारे किस पार्टी के लोग के शुभचिंतक हैं। आप देखें एनडीए बिहार में अगर सरकार में है और भविष्य में भी सरकार बनाने जा रही है तो पॉलिटिक्स विथ अ डिफरेंस हमारे साथ है, चाल चरित्र चेहरे की बुनियाद पर, सुचिता की बुनियाद पर, इक्का दुक्का लोग हैं, अगर किसी हमारे सहयोगी दल में भी होंगे तो कानून काम करेगा, किसी को भी नीतीश कुमार जी ने न बचाया है न फंसाया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या 2020 में बिहार बीजेपी के तरफ से आप एश्योर करेंगे बिहार की जनता को कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल का रहा है? अब तो चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम हर उम्मीदवार को 3 बार एक एडवर्टाइज करना है पब्लिक डोमेन में कि उस पर अपराध की कौन सी धाराएं हैं। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग का यह पहल बहुत ही सराहनीय है। बीजेपी के तरफ से आप एश्योर कर रहे हैं बिहार की जनता को कि ऐसे लोगों को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी जिनका बैकग्राउंड जो है वह क्रिमिनल का रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और हायरार्की सिस्टम में संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर इस फलक तक पहुंची है, और हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, कार्यकर्ताओं को ही टिकट यहां दिया जाता है। लेकिन अपराध का जहां तक सवाल है, हम तो अपराध के भी खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हैं, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे।
अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपने दावों पर खरी उतरती है या नहीं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।